क्राइम ब्रांच ने एक फेक एम्प्लॉयमेंट रैकेट बस्ट किया है, जिसमें चार व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसका मास्टरमाइंड यशपाल शर्मा है, जो रोहतक का रहने वाला है और दिल्ली में रेंटल एकोमोडेशन रोनी में रह रहा था। इसके साथ तीन व्यक्ति मनोज नमनो नायर और सुरेंद्र पांडे, इनको गिरफ्तार किया गया है। ये रेलवे के अंदर भर्ती कराने के लिए लोगों को अल्योर करते थे और उनसे अच्छा पैसा लेके उनको फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, एडमिट कार्ड दे दिया करते थे और इस तरीके से उनसे करीबन 25,000 से 2,00,000 के बीच में अमाउंट वसूलते थे। इन्होंने कई तरह से यूनिक मोडस ऑपरेंडी यूज की ताकि जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं उसका भरोसा जीत सके और पेमेंट भी हासिल कर सके। ये जनरली कैश के अलावा बैंक से भी पैसा लेते थे, इन द सेंस कि ये कहते थे कि हमारे बैंक अकाउंट है, इनमें पैसे जमा करा दे ताकि प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को लगे कि ये कोई झूठे आदमी नहीं है जो कि बैंक के थ्रू पैसे ले रहे हैं, तो इनको अकाउंट फुल कर सकते हैं। सेकेंडली, हर स्टेज क्रॉस करने पर फिलिंग ऑफ फॉर्म, उनके फिजिकल टेस्ट, उसके बाद रिटर्न टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और फाइनल ज्वाइनिंग लेटर, अलग अलग स्टेज पर अलग अलग पैसे लेते थे। फाइनल पेमेंट जब ज्वाइनिंग लेटर हाथ में दे देते थे तो उसके बाद फाइनल पेमेंट लेते थे। ये उस कैंडिडेट का भरोसा जीतने के लिए पर्सनली उनसे मिलते थे, उनको दिल्ली बुलाते थे, होटल में मुलाकात करते थे, दो तीन जगह घुमाते थे ताकि कैंडिडेट को लगे कि हाँ वाकई ये मेरे लिए काम कर रहे हैं और मुझे नौकरी दिला देंगे। इसके साथ साथ इन्होंने अपने कंप्यूटर स्कैनर के थ्रू एक फेक अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, जो दिल्ली के ना होकर खासकर पटना, जमशेदपुर, दानापुर वहाँ के बनाते थे ताकि कैंडिडेट वहाँ जाए, वहाँ घूम फिर के धक्के खा के वापस आ जाए। इस बीच में वो अपना टेलीफोन, अपने कॉन्टैक्ट स्विच ऑफ कर दिया करते थे ताकि उससे दोबारा मुलाकात ना हो, उस तक पहुँच ना पाए। हमें एक 20 अगस्त को एक कंप्लेंट मिली थी जिसमें कंप्लेनेंट के 2,00,000 रुपये उन्होंने चीट किए थे। उसके इंक्वायरी पर, उसके फॉलोअप में हमने इन चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने करीबन 150 से 200 लोगों को ठगा है। उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर भी था, वहाँ काफ़ी लोगों को इन्होंने ठगा है। करीब 20 से ज़्यादा कंप्लेनेंट हमारे पास आ चुके हैं, उनके कंप्लेंट पर कार्रवाई हो रही है। इस खबर के माध्यम से उम्मीद है कि और भी कंप्लेनेंट जो लोग चीट हुए हैं वो आएंगे और इनके पूरे रैकेट का मालूम चल पाएगा। 2 करोड़ से ऊपर का रैकेट ये हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं, जो बैंक डिटेल्स हमारे पास थी। कुछ कैश ट्रांजेक्शन जो किए उसके बारे में अभी तफ्तीश जारी है, कंप्लेंट आने के बाद इसका पूरा खुलासा कर पाएंगे। ये जो गिरोह का सरगना